नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अगर आप राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं तो ठहरने और खाने पीने को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाजपा आपके लिए वहां पूरा इंतजाम कर रही है। अयोध्या में बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें फैसला किया गया कि 25 जनवरी से 2 महीने तक अयोध्या पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की देखभाल की कायदे से की जाएगी। बता दें, राज्यों में प्रदेश भाजपा संगठनों की ओर से लोगों को बड़े पैमाने पर अयोध्या आने के निमंत्रण भेजे गए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने आने की इच्छा भी जताई है। पार्टी ने सभी तीर्थयात्रियों पर उनकी यात्रा के दौरान निगरानी रखने के लिए एक ट्रैकिंग प्रणाली भी बनाई है, जिसके जरिए उन्हें तलाश कर उनके ठहरने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर शंकराचार्य मोदी की आलोचना कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री वहां लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, तो क्या मैं ताली बजाऊंगा। इसके अलावा बाकी शंकराचार्य भी मोदी की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अर्धनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। इस बीच आजकल काफी चर्चित चल रहे बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बयान दे दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने उनके वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि भक्तों की एक मंडली बचाव में ऐसे उतरी हुई है कि उन्होंने शंकराचार्य को ही गलत साबित करने का बीना उठा लिया है। पर अब बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य को अपना प्रधानमंत्री बताकर उनकी बातों से सहमति जताई है, तो क्या भक्त उनको भी हिंदू विरोधी घोषित कर देंगे। बता दें, अब जब सारे हिंदू धर्मगुरु मोदी की आलोचना कर रहे हैं तो मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी उसको कैसे मैनेज करती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर अपने पाप धोने का सुनहरा अवसर था, लेकिन उसने ये निमंत्रण स्वीकार न करके ये अवसर गंवा दिया है। हिमंता बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि पहली बात तो यह है कि अयोध्या को लेकर शुरू से ही कांग्रेस के जो विचार रहे हैं उसकी वजह से वो इस निमंत्रण के लायक ही नहीं है। शर्मा ने कहा, यह निमंत्रण स्वीकार कर कांग्रेस सांकेतिक तौर पर हिंदू समाज से माफी मांग सकती थी। हालांकि जैसा कि पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर में किया था, उस तरह ही कांग्रेस नेतृत्व ने राम मंदिर के साथ किया है। इतिहास हमेशा उन्हें हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में याद करेगा। कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के फैसले ने चर्चा गर्म कर दी है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कांग्रेस मूल हिंदू समर्थन यानी कोर हिंदू सपोर्ट खो देगी। बता दें, विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर समारोह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जवाब में बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि बस एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि पूरे इंडिया गठबंधन ने हिस्सा ले लिया होता, फिर क्या होता। उन्होंने कहा, अगर वो बहिष्कार करते हैं तो लोग अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के उद्घाटन के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित करने को लेकर हम भी दुविधा में थे कि अखिलेश यादव या कांग्रेस को आमंत्रित किया जाए या नहीं किया जाए। उन्होंने हमेशा हिंदू हितों और राम मंदिर निर्माण के खिलाफ काम किया है। कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार थे, और फिर हमने फैसला किया कि जिस पीढ़ी ने ये सब किया वो चली गई। मुलायम, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, मंदिर हम सब का है। आइए हम एक नई शुरुआत करें। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो लोगों के लिए ये मानना खुला है कि वो अपने अल्पसंख्यक वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ये उनके व्यवहार से दिखता है कि उन्होंने कोर हिंदू समर्थन खो दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर के आयोजन में शामिल न होने के फैसले पर कहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है और सीजनल हिंदू है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लगता है कि वोट हासिल करने की जरूरत है तो ये लोग सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कोई भी अयोध्या नहीं गया। राम मंदिर मामले को कोर्ट में लटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, इसलिए अब उनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी और संघ लोगों को पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते थे, आज भगवान राम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, बांटने के अलावा इनके पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आप शंकराचार्य जी और संप्रदाय के लोगों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, वो आज बीजेपी, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रहे हैं। उन्होंने कहा, हम धर्म को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के पूरी तरह खिलाफ हैं। भगवान राम हम सबके हैं और यह आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, संविधान को बचाने की होती है। एक ओर जहां भारत में राम मंदिर की हवा चल रही है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अलशाली ने कहा है कि अगले महीने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन सहिष्णुता और स्वीकृति का जश्न मनाने का दिन होगा। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अली शाली ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, हम 14 फरवरी को होने वाले उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, ये एक अभूतपूर्व दिन होगा।
बता दें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये सभी मुद्दे मायने रखते हैं। कांग्रेस नेता थरूर पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर और 14 फरवरी को अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि इसके तुरंत बाद चुनाव होंगे। मणिपुर सरकार ने इम्फाल से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ हरी झंडी दिखाने की मंजूरी दे दी है। राज्य के मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ कांग्रेस नेताओं की गुरुवार सुबह हुई एक बैठक में प्रशासन ने मौखिक तौर पर यात्रा के उद्घाटन समारोह में केवल 1000 लोगों के भाग लेने की बात कही। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेघाचंद्र सिंह ने बीबीसी से कहा, दरअसल सरकार हमारी यात्रा को फ्लॉप करना चाहती है, इसलिए इस यात्रा से जुड़ी अनुमति को लेकर इस तरह की शर्तें रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इस यात्रा के उद्घाटन समारोह में राज्य के बाहर से 300 बड़े नेता आएंगे। इसके अलावा केवल कांग्रेस सेवा दल के 500 से अधिक कार्यकर्ता होंगे, लिहाजा प्रतिभागियों की संख्या सीमित करना कैसे संभव है। हम इन शर्तों को देखते हुए इस यात्रा का शुभारंभ इम्फाल की जगह थौबल जिले में एक निजी मैदान से करेंगे। एकनाथ शिंदे के पक्ष में स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव गुट हमलावर हो गया है। अब संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे के बेटे भी सांसद हैं, क्या उनको यहाँ परिवार बात नहीं दिखता है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को परिवार की बात नहीं करनी चाहिए, उनका बेटा भी सांसद है। उद्धव ठाकरे ने उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया था। सीएम शिंदे ने जिला प्रमुख की उम्मीदवारी काटकर अपने बेटे को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना नेता ने पूछा, क्या इसे परिवारवाद नहीं कहना चाहिए, क्या ये आपको परिवारवाद नहीं लगता है। राउत ने कहा, ये एक विचारधारा है, चाहे शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, विचारधारा को लेकर उनके घर के लोग आगे चले जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो वंशज हैं वो भी विचारधारा लेकर आगे बढ़े हैं। महाराष्ट्र सीएम को क्या पता परिवारवाद क्या होता है, वो तो बीजेपी के गुलाम है। कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को एक बहुत पहले लिखा गया नाटक बताया है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिब्बल ने स्पीकर के फैसले को बिना किसी सहारे के खेला जा रहा है एक तमाशा बताया। उन्होंने कहा कि स्पीकर का ये कहना कि शिंदे गुट असली सेना है, नाटक की पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। हम बिना किसी सहारे के इस नाटक को होते हुए देख रहे हैं, ये इस लोकतंत्र की जननी की त्रासदी है। बता दें, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को फैसला सुनाया कि शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है और किसी भी गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट में जारी विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना होगी, जिसके बाद ठाकरे ने कहा, इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, इनका मानना है कि नहीं रहेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के साथ भी वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये दल बदल कानून को मजबूत करने का अवसर था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ठाकरे ने कहा, वो जनता को साथ लेकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ठाकरे गुट ने यह भी कहा कि वो स्पीकर के ताजा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। भारत और मालदीव के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मालदीव के विपक्षी नेता और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष फैयाज इस्माइल ने सरकार से कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार से सरकार तक जाता है। उन्होंने कहा, अब सोशल मीडिया के आसान पहुंच के कारण ये बहुत सारे भारतीयों और बहुत सारे मालदीवियों तक पहुंच गया है, और जैसे तैसे तर्क आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों में बहुत सारे अपमान होते रहे, इसलिए सरकार को ये दिखाने की जरूरत है कि उसकी ओर से कोई इरादा नहीं था, ये केवल इन लोगों की अलग अलग व्यक्तिगत राय थी जिन्हें दुर्भाग्य से सरकार में पद दिए गए थे, इसलिए इसे भारतीयों, मालदीव और पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाने की जरूरत है। भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन के दौरे पर हैं। इस दौरे में उन्होंने शी जिनपिंग के साथ बैठक की और इसके बाद दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग सहित 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और व्यापक करने की घोषणा की। इस बैठक को लेकर मुइज़्ज़ू ने कहा, वो चीन में अपने पहले आधिकारिक दौरे को लेकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं और उन्हें खुशी है कि वो चीन के लिए इस साल के पहले विदेशी राजनीतिक मेहमान हैं। जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उसमें टूरिज्म कॉरपोरेशन, ब्लू इकोनॉमी, आपदा प्रबंधन, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा समझौतों में चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के जरिए निर्माण के कामों में तेजी लाना, कुशी दिग्गारू फालू पर आवास परियोजना, फिशरी के उत्पादों के कारखाने बनाना, माले और विली माले में सड़क विकास परियोजनाओं का पुनः विकास करना भी शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट अंतरिम बजट के रूप में पेश किया जाएगा। इसके लिए संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलने वाला है। टाइम्स नाउ ने यह खबर दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। समझा जाता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये लोकलुभावन बजट हो सकता है। अफगानिस्तान के हिंदूकुश इलाके में गुरुवार को 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई 201 किलोमीटर थी। भूकंप के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए और दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं अब भी देखने को मिल रही हैं। बुधवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फिर से हिंसा भड़क उठी। इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना के बाद मणिपुर के कुमी विधानसभा इलाके में 4 लोग लापता हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला को गुरुवार को समन किया। समाचार एजेंसी PTI ने ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से दी है। 86 वर्षीय जम्मू कश्मीर के पूर्व CM को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं की जांच के मामले में तलब किया गया है। साल 2022 में उन्हें ईडी ने इस केस की चार्जशीट में नामजद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने ED की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत की अवधि बढ़ाए जाने की नवाब मलिक की याचिका पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। इसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने गुरुवार को नवाब मलिक की मेडिकल बेल की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला सुना दिया। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जो बाइडेन प्रशासन को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर एक प्रस्ताव का जवाब देने का आदेश दिया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कथित साजिश में उसके खिलाफ आरोपों से संबंधित सबूत की मांग की गई है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने कोर्ट में इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि अदालत में निखिल गुप्ता को पेश किए जाने के बाद ही US सरकार कोई सबूत और जानकारी निखिल गुप्ता के वकील को देगी। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसराइल के खिलाफ लाए गए मुकदमे की आज सुनवाई कर रहा है। इसराइल पर यह मुकदमा दक्षिण अफ्रीका की ओर से लगाया गया है। गजा में फिलिस्तीनियों की नरसंहार के आरोपों को लेकर इसराइल के खिलाफ मुकदमा किया गया है। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने जो सैनिक कार्रवाई की है उसका मकसद फिलिस्तीनी लोगों की आबादी के बड़े हिस्से को नष्ट कर देना है। इस मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के हवाई हमलों और उसकी नाकामियों का भी हवाला दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने यह भी आरोप लगाया है कि इसराइल आम लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचाने और उन तक मानवीय सहायता पहुंचाने देने की इजाज़त देने में नाकाम रहा है। दक्षिण अफ्रीका का दावा है यह इस बात का सबूत है कि इसराइल का इरादा वहां नरसंहार का था। फिलहाल सुनवाई जारी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।